नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं खुशी मित्तल। इसराइल और फिलिस्तानी आतंकी संगठन हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज यानी मंगलवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। वहीं पीएम मोदी ने एक्स करते हुए लिखा है, इसराइल की वर्तमान स्थिति के बारे में अपडेट करने के लिए मैं इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत के लोग इस मुसीबत और मुश्किल घड़ी में इसराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। वहीं भारत आतंकवादी के सभी रूपों की कड़ी को स्पष्ट रूप से निंदा करता है। बता दें, शनिवार को आतंकी संगठन हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की थी। पीएम मोदी ने इसे आतंकवादी हमला भी बताया और इसकी कड़ी निंदा भी की थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, इसराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इसराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत में इसराइल एम्बेसडर नॉर गिलॉन ने इसे पहले कहा था कि उनके देश को भारत से मजबूत समर्थन की जरूरत होगी। उन्होंने कहा था कि भारत एक प्रभावशाली देश है और वो आतंकवादी की चुनौतियों को समझता है और इस संकट को भी भली भांति जानता है। इस समय ये बेहद ज़रूरी है कि हमें वो सब करने की क्षमता दी जाए जिससे हमास अपने अत्याचार जारी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था कि हमें भारत से भारी समर्थन मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया के सभी देश सैकड़ों इसराइली नागरिकों, महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों की आक्रमण, हत्या और अपहरण की निंदा करें। वहीं 7 अक्टूबर की रात जब दुनिया में सभी सो रहे थे, ठीक उसी वक्त हमास ने इसराइल के अनगिनत ठिकानों पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमास ने इस हमले में 5000 से लेकर 7000 तक रॉकेट दागे। इस हमले में 900 से ज़्यादा इसराइली मारे गए। वहीं फिर इसके जवाब में पलटकर इसराइल ने भी हमला किया जिसमें 300 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों ये विवाद हो रहा है। आप माने या ना माने, लेकिन सिर्फ 35 एकड़ ज़मीन के एक टुकड़े की वजह से ये इसराइल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से ये जंग जारी है। बता दें कि 35 एकड़ ज़मीन के एक टुकड़े के लिए बरसों से इसराइल और फिलिस्तीन लड़ते आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन पर बसी है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान बसते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन में से सिर्फ 35 एकड़ ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग लड़ी जा रही है। इसी जंग की वजह से हज़ारों जानें भी जा चुकी हैं, लेकिन आज भी दुनिया की कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ ज़मीन में से इस 35 एकड़ ज़मीन के मालिकाने हक को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बता दें कि हमास का हमला और उसके जवाब में इसराइल ने जोरदार बमबारी की। सिर्फ यरूशलम में 35 एकड़ ज़मीन के एक टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक तीनों धर्म से है। इस जगह को यहूदी हर हवाइयत या फिर टेंपल माउंट कहते हैं, जबकि मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ बुलाते हैं। एक समय में इस जगह पर फिलिस्तीनियों का कब्जा हुआ करता था। बाद में इसराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन इसके बावजूद आज की सच्चाई ये है कि 35 एकड़ ज़मीन पर बसे टेंपल माउंट का ये हरम अल शरीफ ना तो इसराइल के कब्जे में है और ना ही फिलिस्तीन के, बल्कि ये पूरी जगह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। आइए जानते हैं कि आखिर 35 एकड़ ज़मीन के इस टुकड़े पर ऐसा क्या है जिसके लिए सदियों से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम लड़ते आ रहे हैं। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरी सबसे पाक जगह है। वहीं यहूदियों की मान्यता है कि यरूशलम में 35 एकड़ की उसी जमीन पर उनका टेंपल माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी जिसमें आदम का जन्म हुआ था। यहूदियों की मान्यता है कि ये वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी, इसलिए ये 35 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा दोनों के लिए बेहद मायने है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए N27 न्यूज़। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।